नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कारवल दिव्य जी के नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैगनार के बारे में। ये वैगनार है 2022 की, ये अपलिफ्टेड या बोलते हैं ना इसको फेस लिफ्टेड मॉडल है गाड़ी की। तो अगर आपको पुराना वीडियो मेरा देखना है वैगनार का तो आप देख सकते हैं। ये नया वीडियो है 2022 जो नया मॉडल नया फेस लिफ्ट आया था उसके बारे में। तो देखते हैं गाड़ी दिखती कैसे है, चलती कैसे है, क्या फीचर्स है, क्या ये लेना सेंस बनता है, क्या इसमें खासियत है, इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे अपने वीडियो में। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रंट से गाड़ी कैसे दिखती है। इसका ग्रिल जो क्रोम के साथ, ये मारुति सुजुकी की बैजिंग, थोड़ा सा नीट लुक लगता है, थोड़ा सा रिफ्रेश्ड लुक है इसका। आप देख सकते हैं कि हेडलाइट को थोड़ा बड़ा दिया गया है और ये कुछ इंटीग्रेट किया गया है बॉडी के अंदर, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे फॉग लाइट की जगह जो टॉप मॉडल में आती है सीएनजी वाले में आपको बाहर से लगानी पड़ेगी। तो कुछ इस प्रकार से आपका फ्रंट लुक है। साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो इसको ये देखेंगे आप, टायर जो है इसका 14 इंच का नॉर्मल वाले टायर साइजेस है जो पहले ही वैगनार से कैरी ऑन किया गया है। जो आपके OBRMs है ये मैनुअली है, आपको ये हाथ से इसको एडजस्ट करना पड़ता है और ये बॉडी कलर नहीं आते। फिर कुछ इस प्रकार से आपका डोर है, डोर बड़ा दिखता है, विंडोज आपके बड़े दिखते हैं। गाड़ी का जो हाइट है बड़ा है, पुराने से अगर कंपेयर करेंगे तो आपकी गाड़ी की जो हाइट है ये थोड़ी सी बड़ी फील होती है और कहीं ना कहीं अंदर से भी गाड़ी रूमी फील होती है। यहाँ पे आपका ये जो ब्लैक कलर का क्लैडिंग दिया गया है बॉडी का, थोड़ा सा स्पोर्टी लुक के लिए। फिर पीछे से आप देखेंगे ये अर्टिगा जैसा इसका भी जो टेल लाइट है इसे थोड़ा सा लंबा दिया गया है एंड बॉडी में मैश किया गया है, आप देख सकते हैं। ऊपर आपको रियर स्पॉइलर दिया गया है। पीछे से भी गाड़ी थोड़ी सी ब्रॉड लगती है, कहीं ना कहीं ये मिनी अर्टिगा जैसी गाड़ी फील होती है। सुजुकी की बैजिंग वैगनार और कुछ इस प्रकार से। ये आपके नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। पुटएवर साइड से कुछ इस प्रकार से गाड़ी दिखती है। आपका फ्यूल लिड एंड वही एक बेसिक सा डिज़ाइन है, थोड़ा सा आपको सिर्फ एक हल्का सा रिफ्रेशिंग लुक दिया गया है पुराने के मुकाबले। आप पुराना मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें जो वैगनार का लुक है वो काफ़ी सिंपल दिया है। ये थोड़ी सी मोर अपीलिंग दिखती है बेसिक डिज़ाइन के साथ, बट थोड़ी सी मोर अपीलिंग डिज़ाइन के साथ। चलिए अब इसका बोनेट खोल के देखते हैं। तो बोनेट खोलने के लिए यहाँ पे इसका लीवर है, उसे स्लाइड करके इसे ऐसा उठाएंगे। और आप देख सकते हैं कि इंजन प्लेसमेंट इसका 1000cc का, कुछ अराउंड 56 हॉर्स पावर का इंजन है। यहाँ पे वॉशर फ्लूइड्स एंड कुछ इस प्रकार से इंजन केबिन दिखता है, बैटरी फ्यूज एंड ये मतलब सर्विस करना है या कुछ पार्ट रिप्लेस करना है तो काफ़ी सारी जगह आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी जगह है यहाँ पे मैकेनिक को एक्सेस करने के लिए। तो इंजन डिज़ाइन डिसेंट है, अच्छा है। ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी यहाँ पे इंसुलेशन मटेरियल नहीं दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग इसे बोल सकते हैं। चलिए अब ड्राइवर साइड से गाड़ी देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ड्राइवर साइड से गाड़ी कैसे दिखती है, कुछ इस प्रकार से गाड़ी। अंदर से आप थीम देख सकते हैं कि ये कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में थीम है। सीट्स मैं बोलूंगा कि देखिए थोड़ा सा ऑन हायर साइड प्लेस किया गया है, थोड़ा ऊंचा आप बैठते हैं। चलिए अंदर बैठ के देखते हैं। अपने थर्ड साउंड सुना, डिसेंट बिल्ड है क्वालिटी। आप स्टीयरिंग का क्वालिटी काफ़ी डिसेंट, मैं बोलूँगा सॉफ्ट टच है, स्टीयरिंग डिसेंट है। ये आपका यहाँ पे हॉर्न तो ये हार्ड प्लास्टिक है, थोड़ा कहीं ना कहीं डैशबोर्ड देखेंगे तो ये थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है, ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे एयरबैग दिया गया है, इसमें एयरबैग दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि चार की जगह पे सिर्फ दो पावर विंडो है, पीछे मैनुअल है, लॉक अनलॉक का स्विच, काफ़ी बेसिक डिजाइन। ये प्लास्टिक थीम, ये प्लास्टिक के साथ कोई इसमें क्रोम गार्निशिंग या कुछ भी नहीं किया गया, एकदम बेसिक थीम के साथ प्लास्टिक इसका ये क्लैडिंग एकदम नॉर्मल क्वालिटी के साथ। कहीं ना कहीं आपको ये कॉस्ट कटिंग दिख जाती है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे हेडलाइट लेवर, ये आपका सीएनजी और पेट्रोल स्विच करने का जो आपका स्विच है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये काफी बेसिक डिजाइन है। चलिए इसे मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। तो ये चाबी लगा के इसे चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखता है, एकदम बेसिक डिजाइन, वही जो पुराने वैगनार में कैरी ऑन था वही सेम डिजाइन है आपका, वही पुराने वैगनार का जो थीम कैरी किया गया। सिर्फ स्पीडोमीटर दिया गया है, कोई टैकोमीटर वगैरह कुछ नहीं। यहाँ पे आपका फ्यूल का जो लाइन दिख रहा है, यहाँ पे आपका सीएनजी कितना है वो दिख रहा है, और बेसिक आपका हैंडब्रेक और सीट बेल्ट का वार्निंग लाइट, यहाँ पे आपका सिलेक्ट स्विच और छोटी सी MID, बस और ज्यादा कुछ नहीं। वहां पे आपको टाइम दिख रहा है, तो एकदम बेसिक सा डिजाइन है, एकदम बेसिक सा आपका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजाइन किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो एसी वेंट्स है, एसी वेंट्स बहुत सिंपल और बेसिक। यहाँ पे सर्कल है, ये अलग शेप है, थोड़ा सा डिफरेंट देने की कोशिश की गई, बट बहुत सिंपल है। ये आफ्टर मार्केट आपका म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है, आपके एसी कंट्रोल्स मैनुअल वाले। यहाँ पे आपका मोबाइल और या कुछ पर्स वर्स रखने की जगह, यहाँ पे आपका चार्जिंग सॉकेट, आपका गियर एक इजी प्लेसमेंट की जगह पे है, आपका गियर नॉब।
यहाँ पे आप देखेंगे कि बॉटल एक लीटर का बॉटल आराम से आ सकता है। हैंड ब्रेक, ये जो आपको आमरेस दिया गया ये आफ्टर मार्केट है। सीट की क्वालिटी देखेंगे, सीट की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, काफी वेल कुशन्ड है ये। और यहाँ पे आप वही थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक, वही प्लास्टिक ही वाला आपका जो आपका डोर हैंडल है, वही कोई इसमें डिजाइन एलिमेंट नहीं दिया गया है। विंडोज काफी बड़े हैं। चलिए अब पीछे देखते हैं, पीछे बैठ के। तो रियर सीट भी आप देखें कि यहाँ पे आपको सफिशियंट लेग रूम मिलता है। एंड जो आपका ये बेंच सीट है ये काफी चौड़ा है। चलिए बैठ के देखते हैं। डिसेंट थर्ड को साउंड जो आता है, कुछ फ्रंट से इस प्रकार का आपका लुक लगता है वैगनार का। मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि काफी टॉल बॉडी डिजाइन है तो बहुत ही रूमी, बहुत ही एरी फील होती है गाड़ी। ये आपका सीट्स वेल कुशन्ड है, प्लास्टिक थीम वही आपका, ग्रैब हैंडल्स, आपके जो ये हेडरेस्ट दिए गए हैं ये आपके फिक्स्ड हेडरेस्ट है। एंड लेग स्पेस में बोलूंगा काफी अच्छा लेग स्पेस है। ये कॉम्पैक्ट गाड़ी में इतना अच्छा लेग स्पेस होना तीन लोगों के लिए काफी अच्छी बात है। तो गाड़ी के मैं रियर सीट पे बैठा हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत ही ज्यादा हेडरूम है। जब आपने मेरे बलवने का वीडियो देखा था उसमें बिल्कुल भी हेडरूम नहीं था। मैं 6'5" हूँ और मुझे अच्छा खासा हेडरूम मिल जाता है। लेग रूम देखेंगे तो लेग रूम और नी रूम काफी सफिशियंट है। तो इतनी कॉम्पैक्ट साइज गाड़ी में इतना अच्छा स्पेस होना, हेडरूम होना, लेग रूम होना, एंड जो विंडोज है इसे अच्छा डिजाइन किया गया है तो काफी रूमी फील होती है गाड़ी। आपको थोड़ा भी क्लस्ट्रोफोबिक नहीं फील होता, एरी फील होती है गाड़ी। एंड सीट्स की भी क्वालिटी देखेंगे तो डिसेंट है। तो ओवरऑल रियर में तीन लोग काफी डिसेंट जो हाइट वाले हैं काफी अच्छे से और रिलैक्सिंग वे में बैठ सकते हैं। चलिए अब इसकी डिक्की देखते हैं। डिक्की खोलने के लिए यहां से आपको चाबी दी गई है एंड ये चाबी से आप इसे अनलॉक करके यहाँ पे आपका बटन है कुछ इस प्रकार से उठाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो बाटला लगा हुआ है सीएनजी का वो आपका समझ लो 70% जगह ऑक्यूपाई कर लेता है। यहाँ पे स्टेपनी दिया गया है तो लगेज के मामले में छोटे छोटे एक दो बैग आप रख सकते हैं, ज़्यादा लगेज रखने की जगह नहीं है। ये जो आपका ट्रे है इसे उठा के आप देख सकते हैं कि जगह ना के बराबर है, छोटी मोटी चीज़ें भले आप रख सकते हैं बाकी ज़्यादा जगह नहीं है। और कुछ इस प्रकार से आगे का व्यू दिखता है। चलिए अब गाड़ी चला के देखते हैं। तो जो सबसे पहले इंप्रेशन है गाड़ी को हाथ में लेते ही आप नोटिस करेंगे कि जो इसका स्टीयरिंग फीडबैक है मैं बोलूंगा बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हालांकि जिसे मैंने बलेनो चलाई थी या पुरानी वाली इनफैक्ट वैगनर भी चलाई थी तो उसकी स्टीयरिंग मुझे काफी लाइट फील होती थी। इसकी लाइट नहीं है, इसकी थोड़ी सी एक हेफ्ट है गाड़ी के स्टीयरिंग में। बुरा नहीं है बट कहीं ना कहीं जो हिसाब से गाड़ी हल्की गाड़ी है, जिस हिसाब से इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, जो मार्केट प्राइस में आती है, मुझे कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी लाइटर स्टीयरिंग का एक्सपेक्टेशन था जो कि थोड़ी सी ऑन हेफ्टी साइड है, जो गाड़ी को हायर स्पीड पे थोड़ी स्टेबल रखती है। बट देन लो स्पीड्स में आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि थोड़ा शायद स्टीयरिंग हल्का होता तो ज़्यादा जस्टिफाइड होता था। सेकेंडली बात करेंगे इसके इंजन के बारे में तो इंजन इसका काफ़ी मैं बोलूँगा पेपी है। 1000cc की 3 सिलेंडर इंजन है बट इसमें इतना वाइब्रेशन नहीं आता इंजन में और ना ही गाड़ी में कुछ ज़्यादा बोलते ना बाहर की आवाज़ आती। काफ़ी अच्छी इंसुलेशन करके रखी है इंजन साइड पे तो इंजन अच्छा है, पिकअप अच्छा है। तकरीबन 56 या 57 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है गाड़ी 1000cc की। तो ये मैं बोलूँगा कि गाड़ी हल्की है लेकिन 5 लोग को बैठा के जब आप गाड़ी को भगाने की ट्राई करते हैं तो गाड़ी 80-90 बहुत ही अच्छे, बहुत ही आराम से टच कर जाती है। इंजन में वो पावर फील होता है आपको। ये जो आप देख रहे हैं कि गाड़ी में बीच में आप देख रहे हैं कि स्क्रीन थोड़ी शेकी जैसा हो रहा है वो इसलिए कि जो इसका सस्पेंशन सेटअप है वो कहीं ना कहीं काफी स्टिफर साइड पे है। इसे थोड़ा सा और सॉफ्टवेयर कर सकते थे बिकॉज ये जो स्टिफर साइड पे जो सस्पेंशन है इसका, इसकी वजह से आप देखेंगे गाड़ी में थोड़ा वाइब्रेशन है। इंजन नॉइज नहीं है, इंजन का वाइब्रेशन नहीं है बट ये शॉकअप का जो आपका सस्पेंशन ट्यून्ड है ये काफी मैं बोलूंगा कि इसको थोड़ा और सॉफ्ट किया जा सकता था ताकि इंडियन कंडीशन के हिसाब से गाड़ी आपको एक कंफर्ट राइड देती थी। गाड़ी बहुत स्पेशियस है, जैसा कि आपको मैंने दिखाया गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पेस की, 5 लोग आराम से, लेग रूम अच्छा है। आप देखेंगे कि मैं जब चला रहा हूं तो मेरा हेडरूम, मैं 6'5" का हूं, ड्राइविंग सीट पे बैठा हूं, कंफर्टेबली बैठा हूं और हेडरूम सफिशियंट है, लेग रूम सफिशियंट है। बट वही एक दिक्कत है कि जो इसकी राइड क्वालिटी है कहीं ना कहीं राइड क्वालिटी मार खाती है जस्ट बिकॉज ये सस्पेंशन थोड़ा स्टिफर साइड पे, इसे थोड़ा और स्मूथ या थोड़ा सॉफ्ट कर सकते थे। अब बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में तो जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी 2022 में जब इसको लिया गया था
तब तकरीबन तब आई गेस 7 लाख ऑन रोड ये गाड़ी आई थी सीएनजी फिटिंग के साथ सबके साथ 7 लाख के आसपास इसका प्राइस था। एक्स्ट्रा एक्सेसरीज जैसे कि आपको मैंने दिखाया कि स्क्रीन टच सिस्टम या बाकी रिमोट लॉकिंग वगैरह जो था उसका एक्स्ट्रा चार्जेस था, बट जो कंपनी फिटिंग सिस्टम जितना भी था 7 लाख ऑन रोड था। तो क्या ये प्राइस जस्टिफाइड है? मैं बोलूंगा कि देखिए महंगाई के हिसाब से अब पहले जो वैगनार आती थी, जो आप अगर मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो पुरानी वाली जो वैगनार थी वो सब आपको तकरीबन 4.5 लाख 5.5 लाख के बीच में वो सब गाड़ी आती थी, 5,25,000 टू बी प्रिसाइज 2015-16 की मॉडल। ये वाली है ये तकरीबन 7 लाख ऑन रोड पड़ती है, तो कहीं ना कहीं आप प्रीमियम पे करते हैं। जो ये डिजाइन चेंज हुआ है गाड़ी का थोड़ा सा, ये जो थोड़ा सा और इसको बड़ा बनाया गया है, थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए, उसका आप थोड़ा सा प्रीमियम पे कर रहे हैं 7 लाख रुपए। तो क्या ये वर्थ है? ये डिपेंड करता है कि आपका यूज क्या है। बिकॉज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो गाड़ी का मैं बोलूंगा कि स्पेशियस है, 5 लोग को आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी लेके आराम से जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। गाड़ी कंफर्टेबल है, गाड़ी आपको सबसे बढ़िया बात यह है कि गाड़ी बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। बिकॉज माइलेज की बात करेंगे तो गाड़ी आज 1.5-2 साल से मेरे दोस्त के पास है, एंड उन्होंने मुझे बोला है कि गाड़ी उनको तकरीबन 32-35 किलोमीटर पर केजी सीएनजी पे उसको माइलेज मिला है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो गाड़ी बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है, तो ये गाड़ी अगर वो मतलब उनके लिए है जिनको गाड़ी में ज्यादा माइलेज चाहिए, जिनका रनिंग ज्यादा है और जिनको स्पेशियस गाड़ी चाहिए, जिनको कंफर्ट चाहिए बट उनको सेफ्टी से कोई मतलब ना हो। बिकॉज गाड़ी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है इसका, जैसे मैंने आपको बताया, सस्पेंशन जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्टिफर है, और सेफ्टी में बोला जाएगा तो ना इसमें ज्यादा मतलब सिर्फ एक एयरबैग दिया जाता है बट आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, एबीएस शायद नहीं आता इसमें, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं गाड़ी का जो बिल्ड क्वालिटी आपको फील होता है जब आप 80-100 टच करते हैं तो 80-100 तक गाड़ी बहुत स्मूथ भागती है, बहुत अच्छा भागती है, बट वही जब आप 80 के ऊपर जाके 100 या 120 टच करते हैं तो गाड़ी बहुत ही ज्यादा वॉबली हो जाती है, बहुत ही आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील होती है गाड़ी की, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इतनी स्टेबल नहीं है, इतनी वेल बिल्ट नहीं है। मेंटेनेंस की बात करेंगे तो मेंटेनेंस के मामले में गाड़ी मारुति है, एंड वैगनार, ऑल्टो, हुंडई की i10, ये सब गाड़ियां आपकी मेंटेनेंस के मामले में काफी डिसेंट है। हालांकि मारुति की वैगनार और ये ऑल्टो, ये सब गाड़ी मेंटेनेंस के मामले में बहुत ही ज्यादा सस्ती पड़ती है, इसके पार्ट्स बहुत ही इजीली अवेलेबल है बिकॉज मारुति है तो मारुति का सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो वही हिसाब से मैं बोलूंगा कि अगर आप नो नॉनसेंस कार चाहते हैं जो आपको इजीली मेंटेन हो, ज्यादा खर्चा ना निकाले, तो वही हिसाब से वैगनार बहुत अच्छी। इनफैक्ट इसका मेंटेनेंस मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मेरे पास करिश्मा थी, हीरो होंडा की करिश्मा 2016 की मेरी, उसका जो मैं ईयरली मेंटेनेंस का जो मेरा खर्चा था वो वैगनार से भी मेरा महंगा था, और वैगनार मेरी उससे सस्ती थी, मतलब मेरे दोस्त की जो वैगनार रही है। तो मेंटेनेंस के मामले में गाड़ी बहुत ही सस्ती फील होती है, इनफैक्ट इसका रनिंग कॉस्ट भी आपको 35 की जो एवरेज आपको हाईवे पे मिलती है, एंड सिटी में 22-25 पर केजी का जो आराम से आपको माइलेज मिलता है, ये आपका रनिंग कॉस्ट भी काफी कम कर देती है। तो ऐसा है कि आप 2 व्हीलर के प्राइस में 4 व्हीलर चला रहे हो जो स्पेशियस है, जिसमें आप 5 लोगों को आराम से बिठा सकते हैं। दोस्तों आपने देखा गाड़ी दिखती कैसे है, चलती कैसे है, मैंने आपको दिखाया कि गाड़ी का लुक एंड डिजाइन है थोड़ा सा रिफ्रेश्ड लुक है, पुरानी वैगनार के मुकाबले ये थोड़ी सी बड़ी दिखती है, अंदर से भी गाड़ी काफी स्पेशियस है, जगह है गाड़ी के अंदर। फीचर्स की बात करेंगे तो वही बेसिक सा फीचर आता है जो इतने सालों से कैरी ऑन हुआ है, थोड़े बहुत एडिशंस एक्स्ट्रा हुए हैं, बट जो सबसे बड़ी यूएसपी वो है इसकी माइलेज, 35 तक की माइलेज देती है जो बहुत अच्छी बात है। मेंटेनेंस इसका एक ना बाइक के मुकाबले समझ लो आप एक बाइक चला रहे हैं वैसा मेंटेनेंस है इसका। ओनरशिप कॉस्ट 7 लाख के आसपास ऑन रोड चली जाती है, एंड गाड़ी रिलायबल है, बस इतना है कि सेफ्टी फीचर्स कहीं ना कहीं आप सेफ्टी के मामले में गाड़ी पीछे हो जाती है। सेकंड इसका जो राइड क्वालिटी है, अगर गाड़ी कहीं ना आप स्लो भी चलाए या हाई स्पीड पे चलाए, राइड क्वालिटी कहीं ना कहीं मार खा जाती है, बस ये थोड़ी सी दिक्कत है। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो कंफर्ट पूरा है, स्पेस पूरा है, गाड़ी अच्छी है, मेंटेन करने में अच्छी है, मारुति की बैजिंग है। तो आप बताइए आपको गाड़ी कैसे लगी, कि आप इसी गाड़ी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, आपकी फीडबैक क्या है, आपके कुछ भी सुझाव सजेशन कुछ भी रहेंगे आप मुझे लिख सकते हैं कारवाले दुबे जी @gmail.com पे। तब तक के लिए कारवाले दुबे जी की तरफ से साइनिंग ऑफ।